नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से स्थायी व्यवस्था अल्प मानदेय पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर एक सरकारी स्कूलों पर ये अतिथि शिक्षक हर शैक्षणिक सत्र पर अध्यापन कार्य के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध रखे जाते हैं और हर शैक्षणिक सत्र के अंत में इनको हटा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी भी अतिथि शिक्षक के शैक्षणिक सत्र के दौरान उस विषय में जिस विषय का वह अध्यापन कार्य करा रहे हैं, बोर्ड की जो परीक्षाएं 12वीं और 10वीं कक्षा में अगर अतिथि शिक्षक अध्यापन का कार्य करा रहे हैं और उस विषय के छात्रों का रिजल्ट 30% से कम है, तो उनको दोबारा अतिथि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने विरोध भी जाहिर किया कि विभाग एक है, नियम भी रेगुलर शिक्षक और अतिथि शिक्षकों के लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अतिथि शिक्षकों की सुनता कौन है? एक ऑफिशियल आदेश आपको यहाँ पर दिखाएंगे जिसमें अतिथि शिक्षकों के 30% रिजल्ट को लेकर जहां पर नियुक्तियां की गई और रिजल्ट 30% था, उसको हटाने या फिर यहाँ पर न रखने का निर्देश दिया गया है। ये आप यहाँ पर देखेंगे, कार्यालय संकुल प्राचार्य शासकीय स्तर माध्यमिक विद्यालय लटागांव। ये लेटेस्ट आदेश है संकुल प्राचार्य का, 7/12/2024 का आदेश है, ऑफिशियल नंबर देख सकते हैं। साथ ही यह आदेश प्रति के रूप में प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुड़वानी मैहर मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। साथ ही इसमें प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बड़ा खुर्द मैहर और यहां पर देख सकते हैं 3 प्राचार्यों को संकुल के अंतर्गत जारी किया गया है। न्यू यहाँ पर बढ़न, तो यहाँ पर आप विषय में देखेंगे कि कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने बाबत संदर्भ है 30% परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों के पुनः रखे जाने के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उप सेवित विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में आपको निर्देशित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि उपरोक्त नामांकित प्राचार्यों के द्वारा आयुक्त महोदय भोपाल के द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद भी मनमाने तरीके से 30% से कम परीक्षा परिणाम आने वाले अतिथि शिक्षकों को पुनः आमंत्रित किया गया है, जो आयुक्त महोदय भोपाल के आदेश की अवहेलना की गई है। अतः आपके द्वारा के संबंध में यहाँ पर अपना जवाब पत्र प्रस्तुत करने के 2 दिवस का समय दिया है, 2 दिवस के अंदर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। समय सीमा में नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षी कार्यवाही करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। संपूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी अगर जवाब नहीं दिया। यहाँ पर सिग्नेचर संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लटागांव जिला सतना मध्य प्रदेश यहाँ पर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है अतिथि शिक्षक जैसे तैसे नियुक्तियां तो पा गए, लेकिन उनकी परेशानियां इस लेटर के आने के बाद कम नहीं होंगी। जो मेरी जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।